बगावत के सुर। यूती के तहत एक भी सीट नहीं पाने वाली शिवसेना को जिले में विद्रोह का सामना करना पड़ा है। रामटेक में जीत की हैट्रिक लगा चुके पूर्व विधायक आशीष जायसवाल मैदान में डटे हुए हैं। इसी प्रकार दक्षिण नागपुर में पार्टी के उम्मीदवार रहे पूर्व उपमहापौर किशोर कुमरिया युति के उम्मीदवार है। पूर्व उपमहापौर सतीश होले ने मैदान नहीं छोड़ा है। दक्षिण में कांग्रेस को भी प्रमोद मानमोड़े की बगावत ने झटका दिया है। नेताओं को करनी पड़ी मशक्कत। बागियों को शांत करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी है। उत्तर नागपुर में बगावत को शांत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक के हस्तक्षेप करने की खबर है। कांग्रेस मध्य नागपुर में भी बगावत शांत करने में सफल रही है। शिवसेना एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बागियों की नाराजगी को दूर करने में जुटे हैं। इस प्रयास में कांग्रेस को जहां राहत मिली है, वहीं दक्षिण में बागियों को काबू करने में भाजपा शिवसेना सफल नहीं हो सके हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर खबरें भी देख सकते हैं। आप लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी खबरें देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।